मुझे भी पैसे नहीं मिल पाता, तो मेरे को खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। मैं 3-4 महीने हो गई मेरी सिलाई विलाई सब बंद हो रखी है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। चालू करवाना है और बेटे के प्राइवेट धंधे सब, कुछ भी पैसे नहीं मिल पाता, तो मेरे को खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। माता जी, कितने दिन से आप परेशान हो रहे हो और यहां पर आ रहे हो आप? मैं 3-4 महीने हो गए मेरी सिलाई विलाई सब बंद हो रखी है। किराया का मकान अलग है, क्या करा जाए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप क्या चाहते हो कि जल्द से जल्द चालू? मेरे तो बस राजन कर चालू हो जाए और मेरे को मकान की सुविधा वह किराए, जैसे भी छोटा मोटा मेरे किराए का मकान मिला मेरे बच्चों को। आपका नाम बताओ? नौरती देवी। समस्या 4 से 5 दिन हो गए हमें यहाँ आते हुए, सुबह दिन में धूप में तावड़े के अंदर परेशान हो रहे। 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, माता और बहनें हमारे बुजुर्ग भी यहाँ रोज जा रहे हैं। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है कि साइड को जल्द से जल्द सही कर हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि हमारे जो भी भाई बंधु को राशन नहीं मिला सबको राशन प्राप्त हो, इससे सबकी सुविधा हो। दिक्कत ये हो रही है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि जिनका राशन चालू नहीं है उनको ई मित्र पर आकर और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन पिछले 4 दिनों से ये सर्वर काम नहीं कर रहा है। जनता इस 45 डिग्री टेम्परेचर में रोज़ सुबह दिन को और शाम को चक्कर लगा रही है। हमने इसकी शिकायत माननीय विधायक महोदय दक्षिण की अनीता जी बदेल से भी करी है। अनीता जी बदेल ने आगे इसका प्रयास करा, लेकिन कोई भी सरकार द्वारा या हमारे जिलाधीश महोदय द्वारा इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। मैं जनता की तरफ से और ई मित्र की तरफ से ये मांग करता हूँ कि ये सर्वर ठीक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो राजस्थान सरकार द्वारा ये खाद्यान्न रजिस्ट्रेशन निःशुल्क जो 3 महीने तक या 2 महीने तक दिया जाएगा उसके लिए आवेदन कर सकें और जनता ऐसे धूप के अंदर परेशान ना हो। गौरव उपाध्याय, धोलाभाटा। जे एन के खाद्य सुरक्षा वाली मांगेगा थर्ड पार्टी सर्वर ही नहीं चल रहा है। और क्या बार तो ये सर्च करता भी है इसको, कई बार ओटीपी भी चला जाता है, मैसेज भी आ जाता है कई बार लोगों के पास, लेकिन ये फिर से आगे नहीं बढ़ता है। यही समस्या 4 दिन से रेगुलर हो रही है। मैडम को हमने इसकी शिकायत करी, मैडम ने इसकी बात आगे तक पहुंचाई है। माननीय अनीता जी बदेल विधायक महोदय इसके लिए